अबे यार साइकिल बजनी क्यों चल रही है? हाँ अरे यार मेरा तो साइकिल पंचर हो गया। इस तरह करता हूँ, पहले पंचर वाले के पास जाता हूँ। अरे लड़के पहले मैं पंचर की वजह से परेशान था, उल्टा मेरा दूध गिरा दिया। अभी तुझे मैं बताता हूँ। अरे ये मैंने क्या कर दिया, छोटे से बच्चे को नहर में फेंक दिया। अरे यार मुझे तो तैरना नहीं आता, कैसे बचाऊं मैं इस लड़के को? अरे कोई है, बचाओ बचाओ, हेल्प हेल्प। अरे यार वो के लड़का डूब रहा है, लगता है इनको मदद की जरूरत है। ऐसा करता हूँ जाके उनकी मदद करता हूँ। अरे यार ये तो मलिक आरिफ का बेटा है, ये कैसे गिर गया नहर में? अच्छा मैं अभी जाता हूँ, मलिक आरिफ लिया को बुला कर लाता हूँ। अरे 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 मेरे बेटे को क्या हो गया? मेरे बेटे को क्या हो गया? या अल्लाह ये मैंने क्या कर दिया? अरे मेरे बेटे को किसने नहर में गिराया? मलिक साहब इसने मेरा दूध गिराया और धक्का दिया, मैंने गुस्से में आकर इसे नहर में फेंक दिया। अरे बेवकूफ, चंद पैसों के लिए नहर में धक्का दे दिया, ये लो पैसे, शर्म आनी चाहिए आपको। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। बेटा आपने ऐसे क्यों धक्का दिया? आज दूध भी कम है, मदरसे की इफ्तारी के लिए दूध भी देना था, देख भी कोई नहीं रहा। इस तरह करता हूँ पानी डाल लेता हूँ। शुक्र है किसी ने देखा नहीं है। हेलो, हाँ पहले मैं मदरसे का दूध पूरा कर लूँ फिर आपको दे कर आऊँगा। हाँ याद है, एक और बंदे को भी दूध देना है। इस तरह करता हूँ पानी और डाल लेता हूँ। बेटा आपने बहुत अच्छा किया, माह रमजान के महीने में दूध में मिलावट करते हो, शर्म नहीं आती? नहर के पानी में कितने लोग बीमार हो सकते हैं। तुमने सच जाने बगैर मेरे बेटे को पानी में फेंक दिया। अगर मेरा बेटा ना होता तो मदरसे के सब बच्चों को नुकसान हो जाता। हलाल की कमा कर खाओ, गुस्से में आकर कभी फैसला मत करना। तुम्हारी छोटी सी गलती किसी की जान ले सकती है। चलो बेटा